सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से अटूटी में। आज हम डिस्कस करने वाले जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 4 रुपए 35 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की करेक्शन दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 125 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले की इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में पीछे का टॉप था 133 रुपीज का, 133 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में टॉप था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जहां पर स्टॉक ने 112 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर देगा और यहां पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में बाउंस बैक देता हुआ नजर आता है। स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 120 रुपीज, क्योंकि स्टॉक में 120 रुपीज को फिर से एक रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक में वन वे रैली बनती हुई नजर आई जहां पर स्टॉक ने 138 रुपीज का एक टॉप बनाया ऊपरी लेवल पर। अब इस स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 120 रुपीज का नीचे के एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार 133 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है, क्योंकि 133 रुपीज स्टॉक का पिछला हाई है और यहीं से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और ऊपर के अपसाइड मूव बनते हुए नजर आते हैं। स्टॉक में नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 120 रुपीज, अगर इस स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का दूसरा और अहम सपोर्ट लेवल 111 रुपीज का देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।